हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग्स आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड बहुत फास्टली भी। अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे। तो चूंकि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया है 6, तो टोटल मैं 6 पॉइंट दूंगा और उस पॉइंट को अच्छे से फिल भी करा दूंगा, क्योंकि वो 6 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप विद इन 1 मिनट में कर लोगे। तो पॉइंट नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कोई भी बच्चे पहचान लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो नंबर दिख जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे दिख रहा कि इसके दो हैं, इसके भी दो हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड पहचान लेते हैं। डेंटिसिटी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, तो वो वेरी सिंपल है, आपको बस इतना लिगेंड के बारे में ध्यान रखना है। 99% क्वेश्चन में जो बाईडेंटेड लिगेंड होगा वो इथिलीन डाई एमाइन होगा, जिसको EN से रिप्रेजेंट करके भी दे सकता है। दूसरा ऑक्सिलेट, जिसको OX से रिप्रेजेंट करके दे सकता है, या C2O4। 99% क्वेश्चन में बाईडेंटेड यही दोनों होंगे। कभी कभी ग्लाइसिनेट GLY डेट इज अमीनो एसिड हुआ एक्चुअली, तो वो हो सकते हैं। तो ये तीन हो गए आपके बाईडेंटेड। हेक्साडेंटेड में एक ही है, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, EDTA से रिप्रेजेंट करके दे सकता है। बाकी जो भी बच गया वो सब क्या है, मोनोडेंटेट। जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो गया, 2 इंटू डेंटिसिटी 1। क्यों? क्योंकि ना तो वो EN है, ना ऑक्सिलेट है, ना ही आपका EDTA, और यहाँ पे प्लस नंबर 2 है और EN है, EN का डेंटिसिटी 2, तो कितना आ गया, 6। तो एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपने कंफर्म कर लिया तो आपका शेप जो है वो फिक्स हो चुका है। आपको शेप ऑलवेज या स्ट्रक्चर ऑलवेज बताना ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोल सकते हो। और ये शेप कैसा है, तो वेरी सिंपल, आपको क्या मानना है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम ओरिजिन पे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का XYZ डायरेक्शन होता है, तो ओरिजिन पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है। एक्स डायरेक्शन में दो लिगेंड है, एक प्लस एक्स में, एक माइनस एक्स में। वाई डायरेक्शन में दो लिगेंड है, जेड डायरेक्शन में दो लिगेंड है। यहाँ पे जेड डायरेक्शन को मैंने ऐसे दिखाया, एक्चुअली वो कैसे होगा, बोर्ड के प्लेन के अप एंड बोर्ड के प्लेन के डाउन। तो ये XYZ डायरेक्शन में आपके लिगेंड है, ओरिजिन पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है। चूंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 99% वो भी डी ब्लॉक का होगा, तो वी नो कि जो डी ब्लॉक है उसमें डी ऑर्बिटल में 5 घर होते हैं। उस 5 घर में 3 घर या 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस होता है और 2 घर या 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं, राइट। तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले कौन कौन है, DXY, DYZ एंड DXZ, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने DXY को दिखाया है, तो मतलब वो XY एक्सिस के बीच में होगा 45 डिग्री एंगल पे। और जो एक्सिस वाले हैं वो DX²Y² एंड DZ² हैं, दोनों में स्क्वायर ही लगा हुआ है, तो ईजी है याद रखना, इसमें स्क्वायर नहीं है, सिंपल। और DX²Y² मतलब XY एक्सिस पे, वो जो यहाँ पे दिखाया है, DZ² मतलब वो Z एक्सिस पे। तो ये दो आपके, ये वाले दो ऑन द एक्सिस हैं और ये 3 आपके इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, आप ध्यान से देखो आप खुद ही, कि लिगेंड भी आपका एक्सिस पे आ रहा है XYZ डायरेक्शन से, और आपके ये जो ऑर्बिटल है वो भी एक्सिस पे हैं, XYZ एक्सिस पे। इसलिए ये दोनों में आमने सामने की टक्कर होगी, जिसकी वजह से ये एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे, और वो जो 3 घर जिसमें आमने सामने की कॉलिजन नहीं होगा, आमने सामने का टक्कर नहीं होगा, साइडवाइज टक्कर होंगे, तो वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब इस पॉइंट को मैं प्रॉपर फील भी करा देता हूँ, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। आपको लिगेंड को क्या मानना है कि वो व्हीकल है, आइदर 2 व्हील वाला होगा या फिर 4 व्हील वाला होगा, ओके। और जो ये डी ऑर्बिटल है, 5 घर है, तो उसको पर्सन मानो कि वो 5 पर्सन है। उस 5 पर्सन में 3 पर्सन एक नेचर वाले हैं, जो कि इन बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, और 2 पर्सन एक नेचर वाले हैं, जो कि ऑन द एक्सिस वाले हैं। तो सीन क्या, वेरी सिंपल, 5 पर्सन कहीं घूमने जा रहे थे और उसके सामने कौन आ गया, व्हीकल आ गया।
तो वो 5% में वो 2% जो व्हीकल के सामने ही आ गए एग्जैक्टली राइट, तो वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर ही चले जाएंगे राइट। तो इसलिए उसको ऊपर ड्रॉ किया है। याद कैसे रखेंगे, ईगो वर्ड से, ईगो में ईजी आ रहा है, ये दो घर हैं, यहाँ पे दो लेटर है, ईजी उसका नाम है, और यहाँ पे तीन घर हैं, यहाँ पे तीन लेटर है T2G, जिसको प्यार से चिंटू जी भी बोल सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि व्हीकल से ये 5% टकराएंगे, तो वो 2% जो व्हीकल के सामने आ जाएंगे वो ऊपर चले जाएंगे, और वो 3% जो साइडवाइज टकराएंगे वो नीचे आ जाएंगे, डैट मीन्स वो हॉस्पिटल में जाएंगे और ये भगवान के पास। आप खुद ही सोचो कि अगर ये व्हीकल भारी हो गया, जैसे ट्रक बस हो गया, तो फिर ये पर्सन और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, हो सकता है प्यारा ही हो जाए भगवान को राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो तरह की स्प्लिटिंग दिखाई है, एक वीक फील लिगेंड। वीक फील लिगेंड का सेंस क्या है कि अगर वो व्हीकल मोटरसाइकिल है तो फिर आपका जो टक्कर होगा तो उसकी वजह से वो जो दो लोग हैं ईगो वाले वो ऊपर तो जाएंगे ही राइट, चोट तो उनको आएगी लेकिन उतना भी ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वही व्हीकल सपोज कर लेते हैं वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हो गया राइट, डैट मीन्स बस हो गई या ट्रक हो गई, तो फिर वो दोनों बंदा ऊपर ही चला जाएगा। इसलिए उसका देखो ध्यान से मैंने बहुत ऊपर दिखाया राइट, और जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही नीचे ये भी आएंगे राइट। तो वेरी सिंपल है, सीन समझ में आ गया कि 5% में से टक्कर हो रही है उनकी व्हीकल से, तो अगर वो व्हीकल लाइट वेट है तो फिर ज़्यादा गैप नहीं होगा। डैट मीन्स लाइट वेट का मतलब क्या है, वीक फील लिगेंड है। वीक फील लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें भी ऑक्सीजन डोनर हो, हैलोजन डोनर हो, सल्फर डोनर हो, ये सब वीक फील लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आप कैसे पहचानोगे, जिसमें भी कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। उसको भी अगर याद रखना तो सी से कान, एन से नाक, कान और नाक वाले जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव है। और यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो, ओ से और, हैलोजन से हाथ, और हाथ जो है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वीक फील्ड वाले हैं, इसलिए स्प्लिटिंग कम होगा, क्यों, क्योंकि ये वीक अगर व्हीकल होंगे, डैट मीन्स लाइट वेट व्हीकल होगा, तो टक्कर जो होगी उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा राइट। लेकिन अगर वही स्ट्रॉन्ग व्हीकल हो गया, डैट मीन्स बस या ट्रक हो गए, तो फिर वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो स्प्लिटिंग आपको बहुत ज़्यादा गैप करना है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, तो ये है मेरा पॉइंट नंबर 2। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को भी आप सिंपल ऐसे फील कर सकते हो, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है तो राइट। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल शेप, जिसमें से तीन पेंसिल हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में राइट। और तीनों का जो मीड पॉइंट है वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा 99% राइट। हर पेंसिल का दो इंड पॉइंट है, वहाँ पे कौन होंगे, लिगेंड। तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो ऊपर से 4 डॉटेड लाइन ड्रॉ होंगी राइट एक्स वाई प्लेन में, और नीचे से 4 होंगी, तो टोटल 8 डॉटेड लाइन होगा, इसलिए ऑक्टा वर्ड आ रहा है, बट बॉन्ड यहां पे ध्यान देना 6 ही हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपको उसमें देखना है कि उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं राइट। चूंकि सेंट्रल मेटल एटम 99% आपका 3D सीरीज का होगा, तो उस केस में हमने डायरेक्टली आपको बोल रखा है कि उस सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है 18 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं राइट। और अगर वो 3D सीरीज का नहीं हुआ, 4D 5D का हुआ, तो आपको आइडिया दे रखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। पहले S से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर D से अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बार आपको पता लग गया कि D में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसको यहाँ पे फिलअप करना अपने को। ऐसे क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में लिगेंड नहीं था, इसलिए वो ऑर्बिटल आपका ऐसे ही था। इसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डैट मीन्स सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन जब लिगेंड आ जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। अगर वीक फील्ड होगा तो ये T2G और EG का गैप कम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ये T2G और EG का गैप ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको समझाया, अगर वो भारी व्हीकल से टकराया तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और अगर लाइट व्हीकल से टकराया तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा राइट। तो आपको डी ऑर्बिटल को इस तरीके से T2G EG में ब्रेक कर देना है।
अब उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है अकॉर्डिंग टू कि आपके डी में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, आइदर 1 है या 2 है या 3 है, तो उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1, 2, 3 सिंगल सिंगल पहले भरे जाएंगे तो ये इसी T2G में आएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी 1, 2, 3 इसी में भरे जाएंगे, राइट। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया है D2SP3। क्यों D2SP3? क्योंकि ऊपर वाले दोनों के D क्या होंगे, खाली होंगे, तो पहले वो यूज होंगे, तो 2D के 1S के 3P के टोटल 6 ऑर्बिटल यूज हो गए, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर डी कौन सा यूज हुआ, तो वो भी आपको क्लियर है कि DX2Y2 और DZ2 ऑन द एक्सिस वाले यूज होंगे, क्यों, क्योंकि यही टक्कर की वजह से ऊपर गए थे। ये दोनों जो ईजी वाले हैं वो कौन है, DX2Y2 और DZ2, राइट। सिमिलरली अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है आपके या 9 या 10, तो उस केस में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ऐसे भरो या ऐसे भरो दोनों ही केस में फीलिंग सेम आने वाली है। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आपका, चूंकि अब ये ऊपर वाला भी डी भर चुका है तो अब इस डी को यूज नहीं कर सकते, बाहर वाले आउटर वाले डी को यूज करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन इसका फिक्स हो जाएगा। मेनली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो कब होगा, जब 3d सीरीज का एलिमेंट हो, ध्यान दे 3d सीरीज का एलिमेंट हो और डी में इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 7 हो, तभी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कंसेप्ट लगाना है। तो अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है, ध्यान दे 3D सीरीज का मतलब 4D सीरीज के होंगे एलिमेंट, 5D के होंगे, तो कुछ भी नहीं सोचना है, उस केस में सारे के सारे लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ओनली 3D सीरीज का एलिमेंट होगा और डी में अगर 4 से 7 इलेक्ट्रॉन उसके बच रहे हैं, तब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का कंसेप्ट आपको लगाना है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो एनर्जी है डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाइडल, वो ज़्यादा हो जाएगी पेयरिंग से, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग करना पसंद करेगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको यहीं भरना है, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है। ये सब नंबर इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर वाइज है, सीरियल वाइज है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहीं आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा और छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएगा, तो वो पेयरिंग करना पसंद करेगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का गैप अगर ज़्यादा है पेयरिंग से तो फिर पेयरिंग करेगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का गैप कम है पेयरिंग एनर्जी से, यहाँ पे उल्टा है, तो इसलिए आपका चौथा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो D2SP3, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर भरेंगे तो ऊपर वाला खाली रह जाएगा आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3। और इस केस में हम उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डी जो यूज हो रहा है वो उसी वाला इनसाइड वाला डी यूज हो रहा है, राइट। तो इनर और लो स्पिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्पिन कम होता जाएगा, तो इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर वीक फील्ड हुआ तो यू नो ये गैप कम होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अभी भी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन, चूँकि ये डी यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन है ही इसमें, हमें खाली घर चाहिए, तो वो खाली घर है नहीं, तो इसलिए बाहर वाला डी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2। ध्यान दें यहाँ पे बाहर में डी है, लास्ट में डी है, यहाँ पे पहले डी है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कौन डी जनरेट ऑर्बिटल के सेट हैं, तो डी जनरेट ऑर्बिटल के सेट कौन है, T2g वाले, DXY, DYZ, DXZ, इन तीनों की एनर्जी सेम है। डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी, या फिर ईजी वाले दैट इज DX2Y2 और DZ2, ये डी जनरेट ऑर्बिटल होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ले सकता है T2G Eg, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर मैं क्वेश्चन कराने जाऊँ तो वीडियो लेक्चर का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सारे कंसेप्ट को पहले समझा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है T2G और Eg में, कैसे कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं T2G में बताओ, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको भरने का तरीका बता दिया है, काउंट करके आपको बता देना है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर T2G में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देना है, अनपेयर्ड पूछ रहा है, पेयर्ड का पूछ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g इजी बताओ ऐसा, या डिफरेंस बिटवीन T2g इजी बताओ, कुछ भी इस टाइप से पूछ सकता है क्योंकि सबका कंसेप्ट वही है, राइट। पूछने के तरीके इन्फिनाइट हो सकते हैं। T2g में अगर m इलेक्ट्रॉन है, eg में n है, तो m प्लस n की वैल्यू बताओ, या m माइनस n, या m डिवाइडेड बाई n, कुछ भी इस टाइप से, या m इंटू n बताओ इंटीजर टाइप में, यही सब पूछ जा सकता है। या फिर किसमें सिमेट्रिकल फील्ड हुआ है, सिमेट्रिकल फील्ड होने मतलब T2g में 111 है और eg में भी 11 है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। डैट मीन्स इसका मतलब T2g में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और eg में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको सिमेट्रिक फीलिंग बोलेंगे। या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इस टाइप से, तो T2g में काउंट कर लो कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो T2g 4, eg में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो eg 2, ऐसा आपको लिख करके 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा। तो इस टाइप के आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। एक और एप्लीकेशन कैसे ले सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कि उसकी वैल्यू बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, लेकिन इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख जाएगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भरने के बाद। तो जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो कि वो एक्स आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एक्स पॉइंट समथिंग कर देना और 7 से बड़ा रखना, एक्स पॉइंट 7, एक्स पॉइंट 8, एक्स पॉइंट 9, क्योंकि वो क्लोज टू फिर उधर ही जाएगा, राइट। जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.73 आ जाएगा, 2 है तो 2.89 ऐसा कर देना, 3 है तो 3.9 कर देना, तो वो वाले ऑप्शन को टिक कर देना आपको। दूसरा इसका उल्टा भी पूछा सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो डेसिमल से पहले जो नंबर होंगे वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। और कैसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, विच कैन बी अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, विच कैन बी अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से तो बात वही है, या विच कैन रिस्पॉन्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वही कहना चाह रहा है कि कौन पैरा मैग्नेटिक है। पूछने का अगेन वही बोल रहा हूँ, तरीका अलग होगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। या फिर ऑर्डर बताओ उसके मैग्नेटिक मोमेंट का, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर कौन पैरा मैग्नेटिक होगा इसमें, कौन डायमैग्नेटिक होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताओ, डिफरेंस बताओ, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो एक पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछा जाए कौन डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक सिर्फ 2 होंगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी 6 कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रांग फील्ड है तो डाया होगा, और अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रांग हो या वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी 10 में कोई भी लिगेंड हो, डी 6 में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, तभी डाया होगा, रेस्ट ऑल द केसेज में वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल 6 प्रॉब्लम लिया हूँ और वो 6 प्रॉब्लम से आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रोमियम मेरा सेंट्रल मेटल आइटम है, यहाँ पे वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डोनर है, साइनाइड में आपका कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो निकालोगे तो आ जाएगा +3, राइट। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 -18 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सेम वही है, क्रोमियम आपका +3 में, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, अगर वीक फील्ड होगा तो 1, 2, 3 तीनों का तीनों आपका T2g में जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ भी तो भी कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, 1, 2, 3। इसलिए मैंने बोला D में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम फीलिंग रहेगी। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो आपकी आंखों के सामने है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो क्या रहेगा, D2sp3, क्यों, क्योंकि ये D खाली है, यहाँ भी देख सकते हो ये D खाली है हमारा। T2g में इलेक्ट्रॉन बताओ तो कितना हो जाएगा, 3। Eg में इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा, 0। T2g में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो भी 3। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ तो 3.89, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से कुछ ही पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक होगा तो यस पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा इस टाइप के जहाँ पे डी में 8 या 9 या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे यहाँ पे निकेल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो निकेल आ जाएगा आपका +2 में, +2 में मतलब डी में 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे, निकेल का 28 -18 तो 10 बचा, उसमें से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, देखो 1, 2, 3 वीक फील्ड है तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर 6, 7 और 8।
अगर ये स्ट्रॉन्ग फील हो गया तो कैसे भरेंगे, 1, 2, 3 फोर्थ यहीं आएगा राइट, 4, 5, 6 और फिर 7 और फिर 8। तो भरने के बाद ध्यान से देखो वही सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रांग हो या वीक हो, वहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। फिर अगेन क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सेम वही हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना पड़ेगा sp3d2, क्यों, क्योंकि ये D में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है जबकि हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि बाहर वाले D यूज हो रहे हैं राइट। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है पूछा जाए तो 6, EG में कितने हैं 2, EG में अनपेयर्ड कितने हैं तो भी 2, T2g में अनपेयर्ड कितने हैं तो 0, T2g में पेयर्ड कितने हैं तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है राइट। तो इस टाइप से कुछ ही पूछ सकता है, म्यू बताओ मैग्नेटिक मोमेंट तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है यस पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूछने का उसका तरीका बहुत सारा हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेंगे, और इसलिए मैंने ध्यान से देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जैसे ही क्वेश्चन आया आप डी के 5 घर को 3-2 में डिवाइड कर दो, स्ट्रांग होगा तो गैप को बढ़ा दो, वीक होगा तो गैप को कम कर दो। D1, 2, 3 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, D8, 9, 10 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पड़ेगा, D4 से 7 में होगा। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान से देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 होने मतलब डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे 26 है एटॉमिक नंबर, 18 माइनस करोगे तो 8 बचा, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है वो 2 माइनस करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वाटर वीक फील्ड है तो 1, 2, 3 वीक फील्ड होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 5 और 6 राइट। लेकिन वही यहाँ पे साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 तक तो ऐसे ही भरेंगे, लेकिन 4 यहीं पे आएगा, 5 भी यहीं पे, 6 भी यहीं पे। अब देखो क्लियर डिफरेंस है इसमें राइट। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए तो T2g में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 है, जबकि यहाँ पे T2g में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है कि T2g में कितने हैं, EG में कितने हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2g में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2g में 3 पेयर्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यही पॉइंट हमने बताया था कि D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो ऑलवेज डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, जबकि यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं तो 0 हैं राइट। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो D2sp3, क्यों, क्योंकि ये D खाली है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनते हैं। यहाँ पे ये D भर गया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स राइट। तो इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बता दो, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा राइट। तो इस टाइप से पूछ सकता है, डिफरेंस बताओ, तो कुछ भी पूछ ले, सबका जो मेजर कंसेप्ट है वो आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला दिखे, डी ऑर्बिटल को ऐसे डिवाइड कर दो और डी में इलेक्ट्रॉन निकाल करके भर दो, सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्विकली कर सकते हो। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो ये एक पार्ट हुआ, इसका एक और पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।